वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड बहुत ज्यादा पेनफुल रहते हैं और यह दर्द जो है शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहता है, यानी पीरियड के शुरू होने के पहले भी दर्द रहता है, पीरियड के दौरान भी रहता है और पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको दर्द बना रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एडिनोमायोसिस के बारे में। तो ये क्या होता है? एडिनोमायोसिस महिलाओं में होने वाला एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। ये उन महिलाओं को ज्यादा होता है जिनकी एज 30 से 40 हो या फिर जो मेनोपॉज के आसपास होती हैं, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इसके सिम्टम की हम बात करें तो इनको पेल्विक एरिया में भारीपन लगता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, दर्द बना रहता है, पीरियड बहुत ज्यादा तकलीफ दे होते हैं और पीरियड खत्म होने के बाद भी आपको ये पेन बना रहता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर पिंपल या मुहासे वो आ सकते हैं, आपको चेहरे पर बाल भी आ सकते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती है, इनफर्टिलिटी की जो समस्या होती है वो हो जाती है, महिलाओं में देखने को मिलती है। तो अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है। एडिनोमायोसिस क्या होता है? ये गर्भाशय का एक रोग है जो कि, जैसे कि आपको पता है, गर्भाशय 3 लेयर से बना होता है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे नारियल का आप आधा हिस्सा देखें तो अंदर एक व्हाइट लेयर होती है, फिर एक दूसरी लेयर हार्ड होती है और तीसरी बाल होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये 3 लेयर है। तो अंदर की जो स्मूथ लेयर होती है, सॉफ्ट होती है, वो हमारी एंड्रोमेट्रियम होती है जिस पर कि भ्रूण विकसित होता है। और ये लाइनिंग जो होती है, जिसे हम गर्भाशय की दीवार कहते हैं, ये हमेशा हर महीने बनती है और फिर झड़ करके निकल जाती है। और जब ये टूट करके झड़ के निकलती है तब हमारे पीरियड आते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन जो होते हैं उनके उतार चढ़ाव पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो आपकी बीच वाली लेयर है, जो कि आपके भ्रूण को विकास के लिए जरूरी होती है, गर्भाशय को लाइनिंग जो बनती है वो बीच वाली लेयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो हमारा जो हर महीने हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है जिससे पीरियड आते हैं, तो जो हमारी एंड्रोमेट्रियम है वो झड़ती है और जो बीच वाली लेयर है उसमें जाकर के ये ब्लड जो होता है वहां जाकर के फंस जाता है। और इसके कारण से हमारा जो गर्भाशय है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है और इसे ही हम गर्भाशय की सूजन भी कहते हैं। तो जब ये ब्लड वहां जाकर फंस जाता है, जिसके कारण से महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें होती है, पेट फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है और पेनफुल रहता है। ये आपको ये एरिया में हमेशा भारीपन बना रहता है। और जब गर्भाशय बड़ा होता है तो उसका दबाव आपके यूरिन सिस्टम पर पड़ता है, जहां पर हमारे मूत्राशय होता है उस पर पड़ता है, और दबाव के कारण से हमें बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। अब इससे क्या होता है, जब हमारे अंदर की लाइनिंग जो है हार्ड हो जाती है, जिसके कारण से गर्भवती नहीं हो पाती महिलाएं, क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है वो नहीं होती। इसके अलावा अगर ये ब्लड बहुत टाइम तक वहां जमा रहता है, बहुत ज्यादा बहुत टाइम हो जाता है, तो फिर यहाँ कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिलें, गायनिक से संपर्क करें, ये नॉर्मल नहीं है। इसके कारण से कई बार आपके पीरियड भी नहीं आते हैं या फिर आपके पीरियड जो है बहुत पेनफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है, वो सभी इसी के रीजन से होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इसके लिए जो महिलाओं के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो गायनिक आपका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और अल्ट्रासाउंड करता है, देखता है कि आपकी गर्भाशय की दीवार कैसी है, गर्भाशय में कितनी सूजन है, कितना बड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि कैंसर होने के चांसेस हैं, तो आपके गर्भाशय का छोटा सा टिश्यू लेकर के उसको लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है, इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनको ये सब ऐसा नहीं लगता है, तो फिर आपको रिलीफ करने के लिए कुछ पेन किलर्स या कुछ टैबलेट दी जाती हैं, ताकि आपका जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो सके। हम इसके रिस्क की बात करते हैं, तो इसका रिस्क किन लोगों में ज्यादा होता है? इसका रिस्क उन महिलाओं में ज्यादा होता है जो जिनकी एज 40 से 50 है, मेनोपॉज के दौरान इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं का सी सेक्शन हो चुका है उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को फाइब्रॉइड है या किसी तरह की सर्जरी हुई है उनको भी ये दिक्कत होती है।
इन सभी सिम्टम के साथ साथ में कुछ और सिम्टम हैं जो महिला को आ सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, भूख न लगना, मल त्यागने में दिक्कत होना, यूरिन पास करने में दिक्कत होना, इंटरकोर्स के समय दर्द होना, तो ये सभी दिक्कतें इसमें होती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।